प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि तीन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। इसके पास से एक चाकू, कारतूस, तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश घायल हो गया, वहीं तीन बदमाश मौके से भाग निकले। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागे हुए बदमाश की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कुछ लोग बांगरमऊ कोतवाली अंतर्गत गौकसी करने जा रहे थे, इसकी सूचना पुलिस को लगी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, इसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया और तीन अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। 21 जून 2021 की रात में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत बांगरमऊ पुलिस गश्त कर रही थी, तभी कोतवाली प्रभारी बांगरमऊ को सूचना मिली कि कुछ लोग गोकसी कर रहे हैं। सूचना पाकर इंस्पेक्टर क्राइम को साथ लेकर कोतवाली प्रभारी बांगरमऊ द्वारा घटना मौके पहुंचे, तो वहां पुलिस को आते देखकर उन लोगों ने पुलिस से फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भी फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंचकर ये पता चला कि तीन लोग भाग गए। मौके से एक अवैध तमंचा 12 बोर का, तीन खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल, एक चापर, दो चाकू, एक चाकू तेज करने का वाला पत्थर, एक तराजू, एक किलो का बाट, तीन मोबाइल फोन, 6 छोटी नायलान की रस्सी, लगभग 4 क्विंटल गोमांस और एक जीवित गोवंश बरामद हुआ। घायल को रात में ही CSC बांगरमऊ लाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई करके कार्रवाई की जा रही है। जो तीन लोग भागे हुए हैं उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है।